गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यस्टरडे वी रिवाइज थ्री एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एट फ्रैक्शनल नंबर्स टूडे द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल बी रिवाइज फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस फर्स्ट टाइप है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं ऑल द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थ्री बाई सेवन फाइव बाई सेवन एंड टू बाई सेवन ये देखिए इन तीनों फ्रैक्शंस में क्या है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है सेम डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस इसी तरह अब अनलाइक फ्रैक्शंस ऑल द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल जैसे कि वन बाय सेवन टू बाई एट एंड फोर बाई नाइन अब इन तीनों फ्रैक्शंस में देखिए डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है तीनों फ्रैक्शंस uh, में डिनोमिनेटर डिफरेंट है जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उनको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस ओके अब नेक्स्ट है हमारी यूनिट फ्रैक्शंस इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ वन इट इज़ कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन इट मीन्स कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर वन होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे जैसे कि यूनिट का मतलब ही वन होता है जैसे कि वन बाय सेवन होगी वन बाय एट होगी वन बाय नाइन होगी इन सब में क्या है इन सारी फ्रैक्शन में क्या है न्यूमिरेटर वन है तो इनको हम क्या बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं द फ्रैक्शन विद न्यूमिरेटर्स स्मॉलर than द denominators आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रॉपर fractions वो fractions होती हैं जिनमें क्या होता है जो हमारा numerator होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है मतलब छोटा होता है फॉर example जैसे कि देखिए थ्री by सेवन होगी फोर by नाइन अब इसमें देखें फर्स्ट फ्रैक्शन में थ्री by सेवन में जो हमारा numerator है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ऐसे ही सेकेंड वाली फ्रैक्शन में भी क्या है जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है फोर नाइन से छोटा है इसी तरह थ्री बी सेवन से छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं ओके अब देखिए इम प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है द फ्रैक्शंस विद न्यूमिनेटर्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस जिनमें जो न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होता है या फिर उसके इक्वल होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा थर्टीन बाई सेवन ठीक है इसी तरह इलेवन बाय नाइन ओके इसी तरह सेवन बाय टू इन सब में इन सारी फ्रैक्शन में क्या है जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है बड़ा है ओके तो इनको हम क्या बोलेंगे इम फ्रैक्शंस इसी तरह लास्ट है हमारी मिक्स फ्रैक्शन अ मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने लिखा थ्री वन बाई टू ठीक है ये कॉम्बिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का ये जो आगे है जो थ्री है ये हमारा होल नंबर है क्या है ये होल नंबर इसी तरह ये जो पीछे वन बाई टू है ये कौन सी फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है ठीक है तो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती है मतलब इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स नाम से पता चल रहा है कि मिक्स होते हैं ठीक है ये होगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट सेवनटीन बाई फोर इंटू मिक्स फ्रैक्शन हमें सेवनटीन बाई फोर कैसी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है अब देखिए कैसे चेंज करेंगे सेवनटीन बाई फोर मतलब सेवनटीन अपॉन फोर का क्या मतलब है कि हमने सेवनटीन को फोर से पहले डिवाइड करना है ठीक है हमने क्या किया सेवनटीन को अंदर रखा और फोर से इसको डिवाइड किया अब देखिए कितने पे जाएगा ये फोर जा पे जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन नीचे क्या बच गया वन अब इसको हमने लिखना कैसे है कि इसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ बहुत ध्यान से लिखना है अगर आपने डिवाइड ठीक कर दिया लेकिन लिखा ठीक नहीं तो ये सारी आपकी मतलब मिक्स पैक्शन आपका गलत हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम जो ये हमारे पास आंसर आता है ये हमारा होल नंबर होता है ये हमारा होल नंबर होता है पहले हम इसको लिखेंगे राइट पहले हमने होल नंबर को लिखा क्वेश्चन को लिखा फिर इसका मतलब है जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा जो ये रिमाइंडर बचा है इसका मतलब है कि ये टोटल पार्ट है हमारे ये जो फोर है ये टोटल पार्ट है इसमें से वन पार्ट बाकी बचा है मतलब लेफ्ट लेफ्ट मतलब रिमेन है ठीक है तो जैसे फोर होल पार्ट हो गए और वन आउट ऑफ फोर वन आउट ऑफ फोर अब इसको हमने कैसे लिखा पहले हमने क्या लिखा पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है फिर ऐसे लाइन लगाएंगे फिर ऊपर जो रिमाइंडर बचा है वो लिखेंगे और फिर नीचे जो डिवाइजर है वो लिखेंगे ठीक है इसको हमने ऐसे लिखना है जैसे इसको याद रखने के लिए मैं आपको मेथड बताती हूँ कि उल्टा भी बनाएंगे सबसे पहले हमने आंसर लिखना है आंसर से हमने फिर नीचे चले जाना है रिमाइंडर पर ठीक है रिमाइंडर लिखेंगे फिर ऊपर यहाँ पे फिर उसके बाद ऐसे जिससे हमने डिवाइड किया है डिवाइजर लिखेंगे ठीक है जैसे ये उल्टा भी बन गया ऐसे राइट right? ऐसे लिखना फोर वन बाय फोर ये हमने इसको मिक्स फैक्शन में चेंज कर दिया इन प्रॉपर फैक्शन को हमने मिक्स फैक्शन में चेंज किया तो पहले ये हमारा क्या बन गया सेवेंटीन बाई फोर को हम कैसे लिखेंगे मिक्स फैक्शन में फोर वन बाय फोर ऐसे ही अब हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फाइन सम हमने ऐड करना है फ्रैक्शंस को थ्री बाई इलेवन प्लस फोर बाय इलेवन हमने थ्री बाई इलेवन और फोर बाई इलेवन को ऐड करना है अब देखिए ये कैसी फ्रैक्शंस हैं थ्री थ्री बाई इलेवन और फोर बाई इलेवन ये लाइक फ्रैक्शंस हैं ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं कैसे पता चला लाइक फ्रैक्शन like है क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम है जब सेम डिनोमिनेटर हो और उन फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना हो तो क्या करते हैं सेम डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और ऊपर जो न्यूमिनेटर्स हैं ठीक है थीके? जितने भी फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है उनके न्यूमिनेटर को हमने ऐड कर देना है जैसे थ्री है प्लस दूसरे में क्या है फोर है तो थ्री प्लस फोर कितना हो गया सेवन बाय इलेवन ये हमारा आंसर आ गया ऐड करके क्या हमारा आंसर आया सेवन अपॉन इलेवन ठीक है जब डिनोमिनेटर सेम हो आ, उन, और उन हमने उन फ्रैक्शन को ऐड करना है जिनमें डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक like फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है तो ऐड करना बहुत ईजी होता है बिल्कुल ईजी है क्या करना है हमने न्यूमिनेटर का सम लेना है सम ऑफ द न्यूमिनेटर और नीचे क्या लेना है सेम डिनोमिनेटर जो है इसी तरह जैसे हमने प्लस किया इसी तरह हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंस है सिक्स अपॉन सेवनटीन माइनस फोर अपॉन सेवनटीन अब हमने क्या करना है सिक्स अपॉन सेवेंटीन में से फोर अपॉन सेवनटीन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है ये भी कैसी फ्रैक्शन है लाइक like फ्रैक्शन है ये ठीक है दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगी ठीक है और लाइक like फ्रैक्शन में क्या है सेम डिनोमिनेटर है नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा और ऊपर डोमिनेटर्स को हमने जैसे पहले ऐड किया था अब माइनस में हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है सिक्स माइनस फोर सिक्स माइनस फोर कितना हुआ टू टू अपॉन सेवनटीन ये हमारा क्या आ गया टू अपॉन सेवेंटीन आ गया अब देखिए अब मैंने आपको ये सारी आप पूरा चैप्टर हो चुका है फ्रैक्शनल नंबर्स का तो बहुत ही ईजी है तो कुछ एक्सरसाइज हमने कल की थी और कुछ एक्सरसाइज आज की हैं और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन वर्कशीट आपको भेज रही हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड वर्कशीट भेज रही हूँ पहले आपने वीडियो को अच्छे से देखना है और फिर आपने उन क्वेश्चंस को अपने रिवीजन नोटबुक में करना है ओके थैंक यू